हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल एजुकेशन। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टम लेवली प्रॉब्लम, जिसको कि अपन SLP भी बोलते हैं। सो जो इक्वेशन फर्स्ट अपन को जो दे रखी है, px(y′)(qx)λ(rx)y=0, उसको फर्स्ट इक्वेशन बोला अपन ने। एंड जो कंडीशन बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, a1(y)(a)(n)(y′)=0, b1(y)(b)(b2)y′)=0, ये सेकंड इक्वेशन है। सो फर्स्ट एंड सेकंड जो ये दोनों इक्वेशन को मिला के अपन बोलते हैं स्टम लेवली प्रॉब्लम। तो जहाँ पे जो px एंड qx है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड लैम्डा इज ए पैरामीटर। सो तो ये जो इक्वेशन वन दे रखी है, ये स्टम लेवली प्रॉब्लम का मोस्ट जनरल फॉर्म दे रखा है इसने। अपन को क्वेश्चन के अंदर y′′(λ)(y=0) इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है। वो जो बाउंड्री कंडीशन है, ये जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है सेकंड, वो मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन है। इसको ये सिंपल भी दे सकते हैं, y(a)(y)(b)=0, या फिर वो ऐसे भी दे सकता है y′(a)(y′)(b)=0। तो अपन को ऐसे दिया हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, ये अपन ने मोस्ट जनरल फॉर्म लिया इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर अपन इक्वेशन वन को ऑब्जर्व करें अच्छे से, सो y=0 दिख रहा है, यहाँ पे y0 रखें, यहाँ पे y0 रखें, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो y=0 इज ऑलवेज वन का सोल्यूशन है। बट अपन को इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमेशा नॉन जीरो सोल्यूशन निकालना है। सो हमें लैम्डा की वो वैल्यूज लेनी है जिसके लिए इस इक्वेशन का कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो जो लैम्डा होगा उसको अपन आइगन वैल्यूज बोलेंगे, जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा उसको अपन आइगन फंक्शन बोलेंगे। तो थोड़ा बहुत एग्जांपल लेते हैं अपन। क्वेश्चन लेते हैं, गिवन अपन के पास डिफरेंशियल इक्वेशन y′′(λ)(y=0) एंड बाउंड्री कंडीशन दे रखी है y(0)=0 एंड y(l)=0। सो अब देखो लैम्डा की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, लैम्डा की तीन पॉसिबिलिटीज़ है। देखो फर्स्ट तो लैम्डा ज़ीरो हो सकता है, सेकंड क्या लैम्डा लेस देन ज़ीरो हो सकता है, थर्ड क्या लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकता है। तो अपन तीनों केस मान के देखेंगे कि हाँ किस केस के अंदर अपन को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है। अपन को ट्रिवियल सॉल्यूशन तो मतलब नहीं है कोई। सो मैं पहला केस लेता हूँ, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, let λ=0। सो लैम्डा अगर ज़ीरो हुआ तो y′ क्या हो जाएगा, y′′=0। ये अपन को क्या देगा, ये अपन को देगा y=c1+c2(x)। अब अपन के पास बाउंड्री कंडीशन दे रखी है y(0=0 एंड y(l=0। सो y(0=0 क्या देगा, सो y(0=0 विल गिव c1=0। जब c1 को यहाँ रखेंगे सो y क्या आएगा, c2(x) आएगा। अब y(l=0 दे रखा है, सो c2(l=0 होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, c2 भी 0 हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे l नॉन जीरो होगा, तभी तो अपन बात कर रहे हो, ठीक है। सो c1 0 हो गया, c2 0 हो गया। सो अपन को सॉल्यूशन क्या मिला, इन दोनों से अगर मिला है सो y क्या आ जाएगा, y 0 आ गया। मतलब अपन को ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, पर अपन को तो नॉन ट्रिवियल चाहिए। सो λ=0 नॉट पॉसिबल। सो λ=0 अपना काम का नहीं है, मतलब λ=0 इज नॉट पॉसिबल। और अपन केस सेकंड लेते हैं, जब λ<0) तब क्या होगा, सेकेंड
अब लेमडा लेस देन ज़ीरो, तो लेमडा लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। तो अपन लेमडा को क्या मान सकते हैं, ये ले सकते हैं लेमडा, लेमडा इक्व टू माइनस ऑफ के स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली लेमडा लेस देन ज़ीरो है, के नॉट इक्व टू ज़ीरो है, बिकॉज अगर के ज़ीरो होगा तो लेमडा इक्व टू ज़ीरो हो जाएगा, तो वो अपना फर्स्ट केस हो गया। सो अगर लेमडा माइनस के स्क्वायर है तो वाई क्या आएगा, वाई डबल डैश माइनस के स्क्वायर इंटू वाई इक्व टू ज़ीरो, ये क्या देगा, ये क्या देगा अपन, वाई इक्व टू सी वन इंटू टू द पावर के एक्स प्लस सी टू इंटू टू द पावर माइनस के एक्स, ये आया। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या है, वाई ऑफ ज़ीरो इक्व टू ज़ीरो एंड वाई ऑफ एल इक्व टू ज़ीरो। सो वाई ऑफ ज़ीरो इक्व टू ज़ीरो क्या देगा, सी वन प्लस सी टू इक्व टू ज़ीरो एंड वाई ऑफ एल इक्व टू ज़ीरो क्या देगा, सी वन इंटू टू द पावर के एल प्लस सी टू इंटू टू द पावर माइनस के एल इक्व टू ज़ीरो। अब ये क्या है अपन के पास, सी वन ऑफ सी टू में सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब ऑब्वियसली सी वन ऑफ सी टू ज़ीरो होगा, बिकॉज कैसे होगा कि जो इनका जो कोफिशियंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या है, वन वन यू टू द पावर के एल एंड यू टू द पावर माइनस के एल, ये कोफिशियंट मैट्रिक्स है इनकी का डिटरमिनेंट है। तो ये क्या होगा, हमेशा नॉन जीरो होगा। तो जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसका सॉल्यूशन क्या होता है, सी वन इक्व टू सी टू इक्व टू ज़ीरो। तो सी वन क्या आएगा, सी टू क्या आएगा, दोनों ही ज़ीरो हो गए। सो दोनों ज़ीरो हो गए तो अपन के पास फिर से, अपन के पास क्या आ गया, अपन को फिर से वाई इक्व टू ज़ीरो मिल गया। ये भी नहीं चाहिए अपन को, इसका मतलब क्या है कि लेमडा लेस देन ज़ीरो भी नहीं हो सकता अपन के पास। तो एक ही केस बचता है जब लेमडा ग्रेटर देन ज़ीरो, उस पर देखते हैं अपन क्या होता है। केस थर्ड, केस थर्ड क्या है, जब लेमडा ग्रेटर देन ज़ीरो, तो लेमडा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो लेमडा को क्या ले सकते हैं अपन, के स्क्वायर ले सकते हैं। लेमडा जब के स्क्वायर होगा तो वाई क्या होगा, वाई डबल डैश प्लस के स्क्वायर इंटू वाई इक्व टू ज़ीरो। तो इस केस के लिए वाई क्या आएगा अपन के पास, वाई इक्व टू सी वन इंटू कोस के एक्स प्लस सी टू इंटू साइन ऑफ के एक्स इक्व टू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों, ये आ जाएगा अपने वाई सी वन इंटू कॉस के एक्स प्लस सी टू इंटू साइन के एक्स। अब बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं अपन वाई ऑफ जीरो इक्व टू ज़ीरो। सो वाई ऑफ जीरो इक्व ज़ीरो क्या देगा, सी वन इक्व टू ज़ीरो देगा, ठीक है, बिकॉज ये तो ज़ीरो हो जाएगा पूरी टाइम। और वाई ऑफ एल इक्व टू ज़ीरो क्या देगा, सी टू इंटू साइन ऑफ के एल इक्व टू ज़ीरो। अब देखो इस केस में सी टू भी ज़ीरो हो सकता है और साइन ऑफ के एल भी ज़ीरो हो सकता है। अगर सी टू ज़ीरो हो गया तो सी वन भी ज़ीरो है, तो वाई पूरा ज़ीरो हो गया, तो मतलब फिर से अपन को ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। बट अपन को नॉन ट्रिवियल चाहिए, सो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, साइन इंटू के, साइन के अंदर के एल इक्व टू ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन साइन ऑफ के एल मस्ट बी इक्व टू ज़ीरो। यस, तो के एल क्या आ जाएगा अपन पास, के एल आएगा एन पाई, ठीक है। तो के क्या होगा, के आ जाएगा एन पाई बाई एल, ठीक है। और लेमडा क्या है, के स्क्वायर है, तो यहाँ से अपन के पास लेमडा आएगा के स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये लेमडा क्या है। एन कहाँ पर निकलेगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऐसे अपन को इनफाइनाइट्स मिलेंगे आइगन वैल्यूज, ठीक है, जिसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इक्व टू सी वन इंटू कॉस के एक्स प्लस सी टू इंटू साइन के एक्स। तो सी वन तो ज़ीरो हो गया, तो क्या बचा, वाई क्या बचा,
तो फिर वाई क्या बचता है, वाई ऑफ एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी ऑफ साइन ऑफ के एक्स, के क्या है एन पाई बाई एल, एन पाई बाई एल इन टू एक्स। ये अपन के पास आइगन फंक्शन आ गया, ये अपन के पास आइगन वैल्यू आ गई। तो वो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, या तो वो सीधा पूछ लेगा कि हाँ आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन बताओ क्या आएगी, या पूछ लेगा कि देयर एग्जिस्ट लोवेस्ट आइगन वैल्यू। तो हाँ अगर एन इक्वल्स टू वन रहेगा तो सबसे छोटी होगी ना आइगन वैल्यू। पूछेगा कि इज देयर एग्जिस्ट लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, नहीं होगी क्योंकि एन तो चलता रहेगा ना, तो फिर लार्जेस्ट कहाँ मिलेगी अपन को, या फिर लैम्डा वन, या फिर क्या कौन ग्रेटर देन कौन बड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और कुछ नहीं बन सकता इसके अंदर। एक अपन देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस बार ही जो जून 2020 में एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, वाई डबल डैश प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू जीरो, एंड बाउंड्री वैल्यू की कंडीशन दे रखी है वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वाई ऑफ टू पाई, हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू वन, लैम्डा इक्वल टू वन स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू वन एन ग्रेटर देन वन एंड लैम्डा लेस देन इक्वल टू जीरो। ये पूछ रहा है कि किसके लिए अपन के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो ये वही प्रॉब्लम है, इसने क्या किया है, एल के टू पाई ले लिया इसने, तो अपना क्या आया था वहाँ पे, लैम्डा क्या आया था अगर आपको याद हो तो, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। सो अब ये रख दो वहाँ पे, सॉरी वाई ऑफ पाई इक्वल टू जीरो था आई थिंक, ठीक है। तो जब आप लैम्डा एल को क्या रखोगे, पाई रखोगे, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, तो लैम्डा आएगा एन स्क्वायर आ जाएगा, सो सी हो गया, ठीक है। बी भी तो होगा क्योंकि जब एन वन होगा यहाँ पे, तो लैम्डा इक्वल टू वन भी आ जाएगा, सो बी भी ट्रू होगा, सो बी एंड सी दोनों ट्रू हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये एमएसक्यू का क्वेश्चन था, मतलब 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो कि अपन जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं अभी, इसका मतलब फर्स्ट ही एग्जांपल किया है, उसी से अपन कर सकते हैं इसको आराम से। तो देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, तो इससे सिंपल टॉपिक अपन को छोड़ना नहीं कभी भी, जिससे कि क्वेश्चन बनता हो, इससे हर साल लगभग क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, वो आप ट्राई करना, क्वेश्चन है सॉल्व y डबल डैश प्लस लैम्डा इंटू y इक्वल टू जीरो, और बाउंड्री कंडीशन दे रखी है y ऑफ जीरो इक्वल टू y ऑफ y डैश ऑफ l इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दे रखी है। तो आपको सॉल्व करना है, सेम वही जो फर्स्ट प्रोसेस था वही लेना है आपको, सिर्फ यहाँ पे y की जगह y डैश l दे रखा है। तो आप अपना आंसर मैच कराना, शायद आई थिंक यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो शायद ये आएंगे 2n प्लस वन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और जो आइगन फंक्शन आएगा वाई एन एक्स वो आएगा शायद मे बी सम कॉन्स्टेंट a इंटू साइन 2n प्लस वन इंटू पाई बाई एल इंटू एक्स। ट्राई करना, देखना ये आंसर आता है नहीं आता, फिर अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, अब इसमें अपन यही करेंगे कि क्वेश्चन यही रखेंगे और जो बाउंड्री कंडीशंस है वो चेंज करते रहेंगे, कि हाँ अपन अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट अगर अपन लें आइगन जो बाउंड्री कंडीशंस हैं तो सॉल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब फिर आइगन वैल्यूज़ और वो आइगन फंक्शंस किस टाइप से बनेंगे। सो इसी टाइप से नेक्स्ट लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व y डबल डैश प्लस लैम्डा इंटू y इक्वल टू जीरो, वो जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन है, y ऑफ जीरो इक्वल टू y ऑफ l
and y dash of 0 equals to y dash of 1. आई थिंक ये क्वेश्चन है. तो इसको वही अपन पहले तो लेमडा ग्रेटर देन 0 लेंगे, लेमडा इक्वल टू 0 लेंगे पहले, तो लेमडा इक्वल टू 0 आएगा. तो फिर वही आप चेक कर लेना, फिर वही सॉल्यूशन वही 0 आएगा आपके पास. जब लेमडा लेस देन 0 होगा तब भी सॉल्यूशन 0 आएगा. तो अपन सीधा बात करेंगे डायरेक्ट कि हाँ अगर लेमडा ग्रेटर देन 0 है तो क्या क्या के पॉसिबिलिटीज है और कैसे अपन फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस. सो लेट सीधा अपन केस 3 पे चलते हैं. कैसे बताते हैं जब लेमडा ग्रेटर देन 0 हो, लेमडा ग्रेटर देन 0 मीन्स लेमडा को क्या लेते हैं अपन, केस को लेते हैं सीधा ही डायरेक्टली. जब लेमडा के स्क्वायर हुआ सीधा ही तो y क्या होगा, सो y हो जाएगा c1 इंटू कोस के एक्स प्लस c2 इंटू साइन ऑफ के एक्स. ये आ गया y. सो बाउंड्री कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू y ऑफ l. तो y ऑफ 0 रखेंगे अपन तो क्या आएगा c1, और ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा. सो c1 इक्वल टू y ऑफ एल क्या होगा, c1 वन इंटू कॉस ऑफ के एल प्लस सी टू इंटू साइन ऑफ के एल. सो c1 वन इंटू कॉस ऑफ के एल प्लस सी टू इंटू साइन ऑफ के एल. ठीक है. और सेकंड कंडीशन देखते हैं, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू y डैश ऑफ एल. तो y डैश ऑफ 0 रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, c1 वन माइनस का c1 वन इंटू के इंटू साइन ऑफ के एक्स, वो 0 हो जाएगा. वाई डैश ऑफ 0 करेंगे तो सी टू इंटू कॉस ऑफ के एक्स इंटू के. सो वो क्या आ जाएगा, सी टू इंटू के आ जाएगा. सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सी टू इंटू के इक्वल्स टू, फिर क्या रखेंगे, वाई डैश ऑफ एल रखेंगे, माइनस ऑफ सी वन इंटू के इंटू साइन ऑफ के एल प्लस सी टू इंटू के इंटू कोस ऑफ के एल. ये अपन के पास सेकंड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. थोड़ा सा और अच्छे से दिखाते हैं अपन इसको. फर्स्ट इक्वेशन होगी उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, सी वन सी टू को अपन ऐसा लिखते हैं, सी वन इंटू मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, तो सी वन इंटू वन माइनस कोस ऑफ के एल, फिर माइनस ऑफ सी टू इंटू साइन ऑफ के एल, माइनस ऑफ सी टू इंटू साइन ऑफ के एल इक्वल्स टू 0. ठीक है. फिर इसको भी मैं ऐसे लेके मान के जाता हूँ क्या बनता है, सी वन इंटू ये मैं कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज क्या क्या नॉन जीरो है तो कैंसिल हो जाएगा ये लैम्डा इक्वल्स टू केस कर लिया अपन ने. सो सी वन इंटू साइन ऑफ के एल, सी टू इंटू साइन ऑफ के एल प्लस सी टू इंटू वन माइनस कोस ऑफ के एल इक्वल टू 0. अब अगेन ये अपन पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई सी वन एंड सी टू में. अब अपन को क्या चाहिए, अगर सी वन एंड सी टू सब 0 हुआ मतलब तो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, वो अपन को चाहिए नहीं, अपन को नॉन ट्रिवियल चाहिए. अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना पड़ेगा, जो सी वन एंड सी टू की जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा ना, वो अगर 0 हुआ तो उसकी मैट्रिक्स की रैंक लेस देन 1 हो, मतलब 1 होगी. तो अगर 1 होगी तो फिर उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे उसके. सो वही फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिस 1 माइनस कोस ऑफ के एल माइनस ऑफ साइन ऑफ के एल साइन ऑफ के एल 1 माइनस कोस ऑफ के एल. ये जो है ये क्या होना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए,
इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, वन माइनस कॉस ऑफ के एल का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के एल, साइन स्क्वायर के एल इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसको अपन खोल देंगे वन माइनस कॉस के एल को। तो देखो मैं थोड़ा सा स्टेप स्किप कर रहा हूँ, वन प्लस कॉस कॉस स्क्वायर के एल प्लस माइनस टू ऑफ कॉस ऑफ के एल, सो वन ये प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन बन गया, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, टू माइनस टू ऑफ कॉस ऑफ के एल इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से कॉस के एल क्या आएगा, वन आएगा, सो के एल क्या आएगा, टू वन पाई, सो दिस विल गिव के इक्वल्स टू टू एन पाई अपॉन एल, ठीक है। सो के आ गया, तो लेमडा आ जाएगा वन पर, साइकिल वैल्यूज क्या आएगी, लेमडा इक्वल्स टू के स्क्वायर फोर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब यही सेम रिट्टू उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था जून 19 के अंदर, जिसमें कि उसने शायद एल की जगह टू पाई लिया, थोड़ा बहुत लिया था और पूछा था कि नो ट्रिवियल सॉल्यूशन पे क्या मतलब लैम्डा की वैल्यूज क्या। अब यही डिटो सेम यही प्रोसीजर उसका करने का, दो मिनट का क्वेश्चन नहीं है, आप इजीली कर सकते हो इसको। वो याद नहीं करना है कि हाँ डिफरेंट कंडीशन पे क्या लैम्डा जाएगी, ये याद नहीं करना आपको, क्योंकि वो तो चेंज करता रहेगा ना। बस आपको हाँ हर एक आपको अब बाउंड्री कंडीशन के लिए प्रैक्टिस करें ना कि हाँ किसके लिए कैसे अपन कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में अच्छी प्रैक्टिस होगी तो दिमाग में याद रहेगा कि हाँ इसके लिए डायरेक्टली ये करना, तो सीधा वो एक तरीका करोगे, अदरवाइज तो यहाँ पे फंस जाओगे नॉर्मली, आप यहाँ के फंस जाओगे कि नहीं अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब कैसे निकालें लैम्डा के। तो अगर इस सबसे प्रैक्टिस आगे कर रखी होगी तो आप अच्छे से आराम से कर जाओगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये वाई डबल डैश प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना है, और इस बार भी इसने चेंज किया बाउंड्री कंडीशन, वाई ऑफ जीरो प्लस वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो एंड वाई ऑफ एल इक्वल टू जीरो दे रखा है, ठीक है। तो वही आप अगर आप वाई करोगे ना, लैम्डा जीरो लोगे, लैम्डा को जब आप लेस देन जीरो लोगे तो वही सेम आपका सोल्यूशन जीरो आएगा, तो अपना काम का है नहीं। तो अपन क्या लेंगे, सीधा केस थर्ड में मूव करेंगे, आप बाकी के आप सब कर लेना अपने आप, सिंपल है, इतना कुछ है नहीं उसके अंदर। केस थर्ड पर अगर अपन जाए तो लैम्डा को क्या मान लें, अपनी ग्रेटर देन जीरो, तो लैम्डा क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा। अब जब लैम्डा के स्क्वायर आ गया तो भाई क्या आ जाएगा, C1 वन इंटू कॉस ऑफ के एक्स प्लस सी टू इंटू साइन ऑफ के एक्स, प्लस सी टू इंटू साइन ऑफ के एक्स, ये आ गया, ठीक है। सो बाउंड्री कंडीशन अपन चेक करवाते हैं, y ऑफ जीरो प्लस y डैश ऑफ जीरो, सो y ऑफ जीरो क्या आएगा, C1, y डैश ऑफ जीरो क्या आएगा, C1 प्लस C2 इंटू के, ठीक है। सो क्या आएगा, C1 प्लस C2 इंटू के इक्वल्स टू जीरो, ये आ गया अपन के पास फर्स्ट। सेकंड क्या आएगा, y ऑफ एल इक्वल्स टू जीरो बोल रहा है वो, सो y ऑफ एल क्या है, C1 वन इंटू कॉस ऑफ के एल प्लस सी टू इंटू साइन ऑफ के एल कुछ टू जीरो। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से C1 को रिप्लेस करके यहाँ पे टिका देंगे, तो क्या बनेगा, C1 वन इक्व टू माइनस ऑफ सी टू ऑफ के, सो माइनस ऑफ सी टू ऑफ के इंटू कॉस ऑफ के एल प्लस सी टू इंटू साइन ऑफ के एल शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये बन गया अपन के पास सारा कुछ, ठीक है। सो अगेन यहाँ से क्या आएगा, सी टू इंटू समथिंग इक्वल टू जीरो,
अगर सी टू जीरो हुआ तो सी वन जीरो हो जाएगा, अपन को चाहिए नहीं। तो जो सी टू के जो कोफिशिएंट में जीरो है अपन उसको जीरो कर देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, अपन का सी टू नॉन जीरो हो जाएगा और अपन के पास आइगन वैल्यूज़ मिल जाएगी अपन को, और फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा जो कि आइगन फंक्शन बनाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का के इंटू कॉस ऑफ के एल प्लस का साइन इंटू के एल इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से क्या बनेगा, टेन के एल इक्वल्स टू के, ये बनाएगा आपके पास टेन ऑफ के एल इक्वल्स टू के। तो के क्या थे, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। सो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ऑफ एन, क्योंकि ये एन पे डिपेंड करेगा, उसमें लैम्डा एन मान लिया। सो टेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एन इन टू एल। तो जो भी अपने पास आइगन वैल्यूज होंगी वो इस कंडीशन के साथ होगी, मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन डायरेक्टली सीधा आइगन वैल्यूज, जैसे पिछले दो केस में देखा अपन ने, डायरेक्टली निकाल लिया कि हाँ अपन के पास क्या क्या आइगन वैल्यूज आएंगी। और इस केस में अपन के पास ये रिलेशन बन गया कि हाँ वाई लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एन इक्वल्स टू टेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एन इनटू एल, इससे अपन को मिल जाएगी आइगन वैल्यू जो भी होगी। ठीक है, आइगन फंक्शन क्या होंगे, समथिंग वाई ऑफ इक्वल्स टू ए ऑफ एन इनटू बी ऑफ एन, जो मतलब देखो जो भी होगा, देखो क्या था, सी वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी टू ऑफ के था, तो उसको क्या करेंगे अपन, सी टू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, बाकी जो भी के था वो उसको रूट लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे, और रूट लैम्डा क्या होगा यहाँ से निकलेगा, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, वाई वाई इक्वल्स टू सी वन क्या है माइनस ऑफ सी टू ऑफ के, मीन्स सी टू ऑफ, या मैं इसको सी टू को क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, सी टू को मैं ए से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, सी टू को मैं क्या कर रहा हूँ, ए से रिप्लेस कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट है कुछ भी ले सकते हैं। सो ए ऑफ एन, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। सो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एन इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एक्स। ठीक है, ये पूरा बाहर रहेगा क्योंकि सी टू ओपन को मिला, सी टू क्या क्या एन लिया है, प्लस सीधा साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ऑफ एन इंटू एक्स। तो ये अपन के पास आइगन फंक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अब क्वेश्चन है सोल्व वाई डबल डैश एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू जीरो। और जो बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है अपन के पास वो है वाई ऑफ वन इक्वल टू वाई ऑफ ई टू द पावर पाई इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है अपन को, ये बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है, उसको सोल्यूशन करना है अपन को। सोल्यूशन क्या होगा, देखो इस टाइप के जो इक्वेशंस है वो आपने पढ़ा होगा कि अपन क्या करते हैं उसके अंदर, एक्स को अपन यू टू द पावर जेड रिप्लेस करते हैं अपन, फिर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश क्या बनता है, डी इंटू डी माइनस वन बनता है, एक्स इंटू वाई डैश डी बन जाता है, प्लस लैम्डा इंटू बनता है समथिंग। तो ये क्या बनता है, डी इंटू डी माइनस वन प्लस डी प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, ये बनता है। तो ये क्या बन गया अपने पास, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस डी प्लस डी गया तो बन गया डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू वाई, लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो वाई सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, अब ये वही बन गई अपन की वाई डबल डैश प्लस लैम्डा इंटू वाई, सेम चीज़ बन गई। तो फिर अपन मानेंगे केस फन जब लैम्डा जीरो हो, सेकंड लैम्डा लेस देन जीरो हो, तो दोनों केस में ही आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर लेना अपने आप सोल्व करके इसको, दोनों केस में ही आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो सीधा केस थर्ड पे जाते हैं,
स्पेस थर्ड, जब लैम्डा क्या हो माइनस के स्क्वायर, सॉरी प्लस के स्क्वायर हो, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। जो कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, लैम्डा इक्वल टू के स्क्वायर मान लिया अपने। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल टू सी वन इंटू कोस ऑफ के। अब इसमें वेरिएबल x नहीं होगा, z होगा, क्योंकि अपन ने उसको चेंज कर लिया। सो कोस ऑफ के ऑफ z प्लस सी टू इंटू साइन ऑफ के ऑफ z, ये आ गया। अब क्या कर, अपने पास कंडीशन क्या दे रखी है, y ऑफ 1 और y ऑफ e टू द पावर पाई, e टू द पावर पाई इक्वल 0 दे रखा है अपने पास कंडीशन। बट ये किस में दे रखी है कंडीशन, अपन को x में दे रखी है, ये तो z के अंदर है। तो पहले अपन इसको x में चेंज करेंगे ना। सो x क्या होगा, x है अपन पास e टू द पावर z, ठीक है। तो z क्या होगा, log x। सो y इक्वल टू सी वन इंटू कोस ऑफ के ऑफ log of x प्लस सी टू इंटू साइन ऑफ के ऑफ log of x, ये आ गया अपन के पास। सो अब कंडीशन क्या दे रही है, y ऑफ 1 इक्वल टू 0, y ऑफ 1 रखेंगे अपन। सो cos ऑफ k ऑफ log 1 इक्वल टू 0, सो cos 1 cos 0 1, साइन ऑफ इसके अंदर 0 बनेगा तो साइन 0 0 हो जाएगा पूरा। सो अल्टीमेटली अपने पास क्या बचेगा, सी वन इक्वल टू 0। सो y ऑफ 1 इक्वल टू 0 विल गिव सी वन इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, y ऑफ e टू द पावर पाई इक्वल टू 0। सो सी टू इंटू सी वन तो 0 है ऑलरेडी, सो y ऑफ e टू द पावर पाई इक्वल टू 0 विल गिव सी वन ऑलरेडी 0 है, सो सी टू इंटू साइन ऑफ क्या, लॉग ऑफ ई, लॉग ई ई क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा अपने पास। सो साइन ऑफ के पाई बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो साइन ऑफ के पाई इक्वल्स टू 0, तो वही दो सेम केस बन गए, या तो सी टू 0 होगा या फिर साइन के पाई 0 होगा। अगर सी टू 0 हुआ तो सोल्यूशन ट्रिवियल आ जाएगा, अपन को ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए नहीं, अपन को नॉन ट्रिवियल चाहिए। सो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन साइन ऑफ के पाई शुड बी इक्वल्स टू 0। तो के पाई क्या आएगा, एन पाई आ जाएगा। सो के पाई इक्वल्स टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, के क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा। और लैम्डा क्या है, के स्क्वायर है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और जो आइगन फंक्शन आएगा वाई ऑफ एन एक्स, वो क्या आएगा, सी वन इक्वल जीरो ही है। सो वाई ऑफ एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी टू, सी टू को मैं समथिंग कॉन्स्टेंट ए से रिप्लेस कर देता हूँ। सो ए ऑफ साइन ऑफ के ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ के क्या है, एन, एन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। सो ये अपन के पास ये आ गया आइगन फंक्शन, ये आ गया अपने आइगन वैल्यूज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस खूब बनते हैं आपके पास, बस आपको मेथड बताना चाहिए कि हाँ अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को किस किस टाइप से सोल्व करेंगे। सो अब आप प्रीवियस इक्वेशन लगा सकते हो, आपसे होते रहेंगे अच्छे से। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थोड़े से और अच्छे 2-3 पॉइंट्स देखेंगे, और अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन और देखेंगे थोड़े बहुत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।